दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ इस देश की शान है। आज तक इस देश ने कभी भी किसी की भी गुलामी नहीं करी। ये एक ऐसा देश है जहां कुंवारी लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है। भगवान बुद्ध जिन्होंने दुनिया भर में शांति फैलाई, उनकी जन्म भूमि है ये देश। यहाँ की महिलाएं एक से ज्यादा शादियां करती हैं। घूमने के लिहाज से भी ये बहुत ही सस्ता देश है, जहां भारत के केवल 63 पैसे 1 रुपए बन जाते हैं। ये देश भारत के सबसे पड़ोसी देशों में से एक है। यहाँ किसी भी भारतीय को बिना पासपोर्ट बिना वीजा के एंट्री मिलती है। दोस्तों, ये खूबसूरत देश है नेपाल। आरे में जानेंगे, उसे देखेंगे और वहाँ की संस्कृति और खूबसूरती को महसूस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेपाल, जो अपनी विविधताओं और संस्कृति के लिए पहचाना जाता है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 123 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग यहाँ के 45% लोग नेपाली भाषा बोलते हैं और नेपाली यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा मैथिली, भोजपुरी, थारू, तमांग, बंटावा और मगर बोलने वालों की भी यहाँ अच्छी आबादी है। साल 2008 से पहले नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू देश था। यहाँ कई महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं। लेकिन साल 2008 में नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश बना। यहाँ 2006 से पहले तक राजशाही कायम थी, लेकिन साल 2008 में नेपाल का संविधान बना और इसे लोकतंत्र देश घोषित किया गया। हालांकि यहाँ अब भी हिंदू धर्म का प्रभाव काफी ज्यादा है और ये देश का सबसे बड़ा धर्म भी है। यहाँ पर लगभग 81% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इसी के साथ साथ 9% में यहाँ की आबादी बौद्ध धर्म को फॉलो करती है, जबकि 4% में इस्लाम को मानने वाले भी यहाँ रहते हैं। इसके अलावा 3% में किरात धर्म को मानने वाले हैं, जो नेपाल के पूर्वी पहाड़ियों में बसे लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों, नेपाल का झंडा बहुत ही खास है, क्योंकि दुनिया के लगभग हर देश का झंडा आयताकार ही होता है, जबकि नेपाल का झंडा 2 त्रिभुजों को जोड़कर बनाया गया है। पूरा झंडा लाल रंग का है, जिसे नीले रंग के बॉर्डर से कवर किया गया है, जबकि झंडे के दोनों त्रिभुजों में सितारे दिखाई देते हैं। इसमें लाल रंग बहादुरी है और 2 त्रिभुज हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को दर्शाते हैं। नेपाल में जीवित देवी या कुमारी देवी की एक खास प्रथा है। ये परंपरा खास तौर पर काठमांडू में निभाई जाती है। इसमें एक छोटी लड़की को देवी की तरह पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस लड़की में तालेजू देवी निवास करती हैं। वो छोटी लड़की उस समय तक देवी मानी जाती है जब तक उसे पहला मासिक धर्म नहीं होता। जैसे ही लड़की बड़ी हो जाती है, उसे कुमारी के रूप से हटाकर एक नई छोटी लड़की को कुमारी बनाया जाता है। कुमारी देवी बनने के लिए जरूरी होता है लड़की नेवार समुदाय से हो, उसकी उम्र 3 से 5 साल हो, वो दयालु और निडर समझी जाती हो। उस कुमारी देवी को काठमांडू के कुमारी घर में रखा जाता है, जहां उसका अच्छे से ख्याल किया जाता है। लोग उससे मिलने आते हैं, कुमारी देवी का आशीर्वाद भी लेते हैं। कुमारी देवी उस घर से बहुत ही कम बार बाहर आती हैं, और जब भी उन्हें बाहर लाना होता है तो उन्हें सजाया जाता है। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ने दिए जाते, क्योंकि यहाँ के लोग कुमारी देवी को बहुत पवित्र मानते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। इस विशालकाय पर्वत की ऊंचाई 8,848 मीटर है। हर साल सैकड़ों पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। माउंट एवरेस्ट केवल पर्वतारोहियों के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रैकिंग करने वालों की भी पहली पसंद है। हर साल हजारों सैलानी एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने नेपाल आते हैं। ये ट्रैकिंग रूट काठमांडू से लुकला तक हवाई यात्रा से शुरू किया जाता है। साल 2024 की जनगणना के मुताबिक नेपाल की आबादी 2,96,00,000 के आसपास है। यहाँ की करेंसी नेपाली रूपी है और भारत के केवल 63 पैसे नेपाल के 1 रूपी बन जाते हैं। ये सुंदर देश फैला है
147,516 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में, जो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 93वां बड़ा देश है। यहाँ कई यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे स्वयंभूनाथ स्तूप, इसे मंकी टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धनाथ स्तूप, यह दुनिया का सबसे बड़ा गोलाकार स्तूप है, जो कि बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। पशुपतिनाथ मंदिर, ये हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। काठमांडू दरबार स्क्वायर, ये नेपाल के प्राचीन राजाओं की गद्दी थी, जहाँ कई महत्वपूर्ण महल, मंदिर और ऐतिहासिक संरचनाएं मौजूद हैं। पत्थर दरबार स्क्वायर, ये जगह अपनी खूबसूरत वास्तुकला और अपनी शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर, यहाँ भक्तपुर की संस्कृति और प्राचीन मंदिरों को संभाल कर रखा गया है। चांगू नारायण मंदिर, ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो नेपाल के ऐतिहासिक मंदिरों में गिना जाता है। ये है सागरमाथा नेशनल पार्क, ये माउंट एवरेस्ट के पास मौजूद है। ये पार्क न केवल माउंट एवरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ बर्फीले पहाड़, ग्लेशियर और दुर्लभ जानवर भी देखने को मिलते हैं, जिसमें हिमालयन थार, हिमालयन तेंदुआ और लाल पांडा शामिल है। ये है चितवन राष्ट्रीय उद्यान, ये नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1984 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था। यहाँ देखने को मिलते हैं एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर और अनोखे पक्षी। ये सारी जगह नेपाल की संस्कृति और प्रकृति को दर्शाती है। नेपाल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ, इसे कोई नहीं जीत सका, लेकिन यहाँ समय समय पर अलग अलग राजाओं ने राज किया है और उनका राज भी साल 2008 में खत्म हो गया, इसीलिए नेपाल का कोई आजादी दिवस है ही नहीं। नेपाल और भारत इतने अच्छे दोस्त हैं कि भारत का कोई भी नागरिक नेपाल में बिना पासपोर्ट और वीजा के जा सकता है, लेकिन हमें अपना एक आईडी जरूर दिखाना पड़ता है, इसीलिए हर साल नेपाल में बहुत से भारतीय घूमने जाते हैं। नेपाल इतना सुंदर देश है कि इस छोटे से पहाड़ों में बसे देश में 12 लाख से लेकर 15 लाख सैलानी हर साल घूमने जाते हैं। जिस तरह भारतीय नेपाल में जा सकते हैं, ठीक इसी तरह नेपाल के लोग भी भारत आ सकते हैं, यहाँ काम करते हैं, रहते हैं बिना किसी परेशानी के। ऐसा माना जाता है कि नेपाल के लोगों को नूडल्स, मोमोज जैसे फास्ट फूड खाना ही पसंद है। हालांकि लोग इसे यहाँ खाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा दाल, भात, तरकारी और चटनी खाना पसंद होता है, जो नेपाल के हर घर में रोजाना बनाया जाता है। इसमें मसालों का अधिक होना इनके खाने को और ज्यादा चटपटा और स्वादिष्ट बना देता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार आता है, जिसे दशाई कहा जाता है। इस त्योहार में माँ दुर्गा की पूजा होती है, बकरों की बलि दी जाती है, लोग नए कपड़े पहनते हैं और इस त्योहार को पूरे जश्न के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा नेपाल में तिहार, माघे संक्रांति, होली, तीज, बुद्ध जयंती, इंद्र यात्रा और छठ पूजा भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। नेपाल अपनी अनोखी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वैसे तो पुरुष एक ही शादी करते हैं, लेकिन बड़े बड़े राजघराने और आदिवासियों में आज भी एक से ज्यादा शादी करने की प्रथा है। यहाँ पर 18 से 20 साल की उम्र में शादी होना अच्छा माना जाता है। ऐसे बहुत से पुरुष हैं जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां कर रखी हैं और उनकी पत्नियां सब साथ में रहती हैं। ये नेपाल में एकदम आम बात है, पर कानूनी रूप से यहाँ एक ही शादी की इजाजत है। फिर भी यहाँ पर ये परंपरा चलती है, जिससे लोग खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं। नेपाल की महिलाओं को बहुत से अधिकार दिए जाते हैं, ज्यादातर घरों की मुखिया भी इन्हें ही बनाया जाता है। घर का काम हो या फिर बाहर का, नेपाल की महिलाएं बराबर की हिस्सेदार रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नेपाल की हमारी ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।